विराट कोहली के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम विश्व कप के लिए आईपीएल के ठीक बाद इंग्लैंड रवाना हो जाएंगी। 5 जून को भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, जो भारत का पहला मैच होगा। टीम चयन के संबंध में कई लोगों की राय अलग थी। कुछ लोग हैरान थे क्योंकि कुछ बड़े नामों को विश्व कप टीम से बाहर रखा गया था, जिसमें अंबाइती रायडू और ऋषभ पंत शामिल थे। आइए एक नजर डालते हैं विश्व कप टीम के ऐसे 3 सदस्यों पर जिनका प्रदर्शन अब तक के आईपीएल में बेहद खराब रहा है। पहला नाम आता है विजय शंकर का। विजय शंकर को अंबाइती रायडू के ऊपर तरह जीत देते हुए टीम में शामिल किया गया था, क्योंकि वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण के रूप में सभी विभागों में संतुलन प्रदान करते हैं। बीसीसीआई ने यह भी घोषणा की थी कि अब भारत के लिए नंबर 4 की भूमिका निभाएंगे। शंकर एक नए खिलाड़ी हैं और उनके पास अनुभव की कमी है, जो विश्व कप में एक बड़ा मसला होगा। अब तक वे आईपीएल में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने इस बार अपनी टीम सनराइजर हैदराबाद के लिए केवल 180 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट केवल 122 का रहा है और इस सीजन में उनका औसत 20 का रहा है। उनका नंबर 4 पर खेलना और केवल कुछ रन बनाना हैदराबाद और भारत दोनों के लिए बहुत बड़ी चिंता है। उन्हें एक ऑलराउंडर के रूप में चुना गया, लेकिन उनकी गेंदबाजी हैदराबाद के लिए कोई काम नहीं आई, क्योंकि खेले गए सभी मैचों में केवल 1 विकेट प्राप्त किया है। दूसरा नाम आता है केदार जाधव का। 34 वर्षीय ऑलराउंडर केदार जाधव भी काफी खराब फॉर्म में है। केदार जाधव ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। उनका केवल लगभग 20 का औसत के साथ 162 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट केवल 96.42 का रहा है, जो कि बहुत धीमा है, और भारतीय टीम में फिनिशर की उनकी भूमिका से ये बिल्कुल न्याय नहीं करता है। जाधव को उनकी गेंदबाजी एक्शन के लिए भी जाना जाता है, जहां वो पारंपरिक रिलीज पॉइंट से एक गेंद फेंकते हैं। उन्होंने इस सीजन में सीएसके के लिए एक भी ओवर नहीं फेंका है। इस प्रकार कुल मिलाकर वह उनके लिए एक प्रभावी नहीं रहे हैं। तीसरा नाम आता है कुलदीप यादव का। बाएं हाथ का ये युवा चाइना मैन स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम के लिए काफी समय से बेहतरीन प्रदर्शन करता आ रहा है। कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी से भी सभी बल्लेबाजों को परेशान किया है। उन्होंने वनडे मैच में भारत के लिए 44 मैच में 87 विकेट और 18 टी20 मैचों में 35 विकेट लिए हैं। वह पिछले कुछ सीजन से कोलकाता नाइट राइडर्स से भी प्रमुख खिलाड़ी रहे, लेकिन इस साल वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसका असर केकेआर पर काफी हद तक पड़ा है। उन्होंने इस सीजन में 9 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने केवल 4 विकेट लिए। कुलदीप यादव के इकोनॉमी रेट भी इस सीजन आईपीएल में सबसे ज्यादा है, जो कि 8.66 है। इस सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा 41 रन पर 2 विकेट है, जो उनके जैसे खिलाड़ी के लिए प्रभावशाली नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।